Welcome to Sociology class for plus two students by Anjali Kapoor. Today we are going to discuss few concepts of tribal community of chapter number 3, Social Institutions, Continuity and Change. Changes during colonialism. Colonialism had brought irrevocable changes in tribal world. First is cruelty of moneylenders. On the political and economic front, tribal societies face the cruelty of moneylenders. And the second thing, they lost their lands to immigrant settlers. They lost their access to forests because of the government policy of reservation of forest and the introduction of mining operations. The colonial government used these hilly and forested areas as the main source of income. Means forest se access bhi unki jo hai wo bhi chhin gayi. गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई और जो इंट्रोडक्शन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन किया उसकी वजह से, और जो खुद जो कॉलोनियल सरकार थी उन्होंने इन हिली और फॉरेस्ट एरियाज को, जो कि रिच इन मिनरल्स थे, अपनी सोर्स ऑफ इनकम का मेन जो है वो जरिया बनाया. द ट्राइबल्स एंट्री इनटू द फॉरेस्ट वाज बैंड एज द कॉलोनियल गवर्नमेंट सेट अप एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज. The British government ruled through local kings or headmen in these areas. Means, जो tribal लोग थे, जो वहाँ के निवासी थे, उनकी जंगलों में एंट्री जो थी वो बैन कर दी. जो colonial सरकार थी उन्होंने क्या किया, कुछ areas जो हैं उनको excluded, means exclude मैंने होता है बाहर कर देना, जहाँ पर वहाँ उन किसी का भी आना जो है वो बिल्कुल मना हो. कुछ एरिया कर दिए पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज, मींस पार्शली मींस कि उनके कुछ हिस्से में तो जो ट्राइबल लोग हैं वो एंटर कर सकते थे और कुछ पोर्शन में वो एंटर नहीं कर सकते थे. और इस तरह से जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने जो वहाँ के लोकल किंग्स और हेडमेंस थे उनके जरिए उन जंगलों पर राज किया. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द ट्राइबल सोसाइटी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. वन इज आइसोलेशनिस्ट एंड द अदर वन इज Integrationists. Isolationists argued that tribals needed protection from traders, moneylenders and Hindu and Christian missionaries. जो उनके उनसे उनका land जो है वो छीनना चाहते थे, उनसे उनकी protection के लिए वो उनके लिए जो है वो argue करते थे. The other is integrationists. वो क्या argue करते थे? They argued that tribals were merely backward Hindus and their problems had to be solved within the same framework as that of other backward classes. कि उनको भी जो other backward classes की तरह ही treat करना चाहिए, उसी framework में लेना चाहिए. वो भी जो है they were merely backward Hindus. Means उनको mainstream में जोड़ने के लिए. So two views were, one were for the protection of traders and other was for the integration of tribals into the main Hindu stream. There were constitutional debates which finally resulted in a compromise which advocated welfare schemes that would enable controlled integration. The subsequent schemes for the tribal development are, means जो है कि जैसे दो groups थे कि एक protection के लिए fight कर रहा था और दूसरा integration के लिए, तो इन दोनों में debate चलता रहा और finally एक compromise पर पहुंचे कि उसको integration की तरफ ले जाने के लिए, और उसके लिए भी ऐसी स्कीम्स बनाई जाएं, एडवोकेट किया गया कि इस प्रकार की स्कीमें बनाई जाएं ताकि एक कंट्रोल्ड इंटेग्रेशन रहे. और जो स्कीम्स बनाई गई वो क्या थी, 5-year plans, ट्राइबल सब प्लान्स, ट्राइबल वेलफेयर ब्लॉक्स, स्पेशल मल्टीपर्पज स्कीम्स, राइट. मींस इसके अंडर कि उनकी वेलफेयर के हर पहलू को देखा जाए, उसके लिए हर तरह के जो है वो जो इनिशिएटिव्स लिए गए सरकार के द्वारा, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सब जगह उनको रिजर्वेशन लाइक अदर बैकवर्ड क्लासेस की तरह ही उन्हें ट्रीट करने की कोशिश करने के लिए अलग अलग एक्ट्स बनाए गए. बट द बेसिक इशू ऑफ इंटेग्रेशन हैज बीन ऑन टर्म्स ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी. द ट्राइबल सोसाइटीज हैव हैड देयर लैंड्स, फॉरेस्ट टेकन अवे एंड देयर कम्युनिटीज शैटर्ड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. तो जो इंटेग्रेशन की बात हुई उसका जो फायदा था ना वो केवल मेन स्ट्रीम को ही हुआ. कुछ इस प्रकार से वो जो स्कीमें हैं वो टर्न ले गई. जो ट्राइबल सोसाइटीज थी
उन्हें तो उनका जो अपना लैंड था, फॉरेस्ट थे, वो सब जो कुछ भी था वो भी सब उनसे छिन गया, और उनकी जो कम्युनिटी भी थी वो डेवलपमेंट के नाम पर शैटर्ड मैंने बिखर करके रह गई। नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट पर्टिकुलर इन नेहरूवियन एरा इन्वॉल्व द बिल्डिंग्स ऑफ लार्ज डैम्स, फैक्ट्रीज एंड माइंस and setting up of hydroelectric power plants. National development के जो है नेहरू जी के समय में उसमें developments किस चीज़ की development, dams बनाना, factories, mines, hydroelectric power plants लगाने की बात जो है वो की गई। Disproportionate price, जिसके लिए कि जो tribal लोग थे उन्हें एक disproportionate price जो है वो मिली। कैसे? The tribal areas were located in mineral rich and forest covered parts of the country and they had to pay a disproportionate price for the development of the rest of the Indian society. कि हमने development करने, यहाँ पर factories लगेंगी, dams बनेंगे, तो ये फायदा होगा, इन सब चीज़ों के लिए उनकी जो ज़मीन थी उसको कि जंगलों में ही, जो कि एक बहुत mineral rich located situations थी, वहाँ पर ये सब बनाने की बात की गई और उनको उसके लिए कि हम आपको इसका मुआवजा देंगे, राइट लेकिन वो जो प्राइस उनको पे की गई वो उसके बराबर नहीं थी जो चीज़ उनसे ली गई, मीन्स डिसप्रोपोर्शनल में उसके बराबर उनको उसकी कीमत नहीं मिली जिस लेवल की डेवलपमेंट और बेनिफिट जो है अदर सोसाइटी को हुआ। डिसपोजेशन ऑफ लैंड, द प्रोसेस ऑफ डिसपोजेसिंग ट्राइबल्स ऑफ देयर लैंड has occurred as a necessary byproduct of the exploitation of minerals and utilization of favorable sites for hydroelectric power plants. Forests started to be systematically exploited in British times and the trend continued after independence. Dispossession ka matlab kya hota hai? Possession means ki aapke paas kisi cheez ka hona. Dispossession means ki aapse us cheez aapke paas us cheez ka na hona. Yani jo land unka tha wo unka nahi raha. Kyunki wahan par जो भी मीन फॉरेस्ट में जो मिनरल रिच था, जो साइट्स थी, वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट बनाने की बात की गई और उसके लिए उनकी जो ज़मीन थी उनसे छिन गई। द कमिंग ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर्स, इट हैज़ आल्सो एडवर्सली अफेक्टेड ट्राइबल कम्युनिटी बेस्ड फॉर्म ऑफ कलेक्टिव ऑनरशिप। जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पर जो भी पोजेशंस होती हैं ना वो सारी कम्युनिटी बेस्ड होती हैं, मींस कलेक्टिव ऑनरशिप मींस कि सब के सब लोग, जो भी लोग वहाँ के रहने वाले हैं, सब के सबका हक बराबर होता है उसके ऊपर। तो जब प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर्स उसमें एंटर कर गए तो वो जो उनका एक करेक्टरिस्टिक था वो भी उसके ऊपर उसका बहुत प्रभाव पड़ा। माइग्रेशन ऑफ नॉन ट्राइबल पीपल, many tribal concentration regions and states have been experiencing the problem of in-migration of non-tribals in response to the pressure of development. Development के नाम पर जो non-tribals की जो migration उसमें हो रही थी उसके नाम पर जो है काफ़ी जो tribal concentrated regions हैं वो इस problem को face कर रहे हैं, और उसकी वजह से हुआ क्या कि जो उनकी अपनी population है वो reduce होनी शुरू हो गई, और वहाँ वो जो वहाँ मेजोरिटी में थे, जो उसके हकदार थे, वो मिनोरिटी में हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टेट लाइक त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश हैड द ट्राइबल शेयर ऑफ इट्स पॉपुलेशन हाफ्ड इन ए सिंगल डिकेड, रिड्यूसिंग देम टू मिनोरिटी। ट्राइबल आइडेंटिटी टुडे, फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी इन रिसेंट टाइम्स। और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि वो क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ट्राइबल मूवमेंट्स जो हैं वो उनको राइज मिला। फोर्स्ड इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इनटू मेनस्ट्रीम प्रोसेस हैज़ हैड इट्स इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल कल्चर एंड सोसाइटी एज मच एज इट्स इकोनॉमी। ट्राइबल आइडेंटिटीज आर फॉर्म्ड बाय इंटरैक्शनल प्रोसेसेस, जो है फोर्स्ड इनकॉर्पोरेशन, मेन हिंदुस्ट्रीम में मिलाना, राइट वो है उस चीज़ ने उनके कल्चर, सोसाइटी और इकोनॉमी हर चीज़ पर प्रभाव डाला, और ये जो प्रोसेस था इंटरैक्शनल जो है प्रोसेसेस थे। द इंटरैक्शनल प्रोसेसेस विद द मेन स्ट्रीम हैज जनरली बीन ऑन टर्म्स अनफेवरेबल टू द ट्राइबल कम्युनिटी, रिजल्टिंग इन ऑपोजिशन टू द फोर्स ऑफ नॉन ट्राइबल वर्ल्ड। और ये जो इंटरैक्शनल प्रोसेस था वो मींस हर बार जो था वो
ट्राइबल्स के लिए वो अनफेवरेबल टर्म्स पर ही जो है वो कंक्लूड होता था, जिसकी वजह से जो ट्राइबल लोग थे वो अपोजिशन में, मींस वो रिबेल कर गए. द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सक्सेस सच एज द अचीवमेंट ऑफ स्टेटहुड फॉर झारखंड एंड छत्तीसगढ़ आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल इज मॉडरेटेड बाय अ कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम्स राइट. व्हेन दे स्टार्टेड अपोजिंग राइट, तो उन्होंने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट करी ताकि उन्हें अपनी एक पहचान मिल सके, अपने एक अलग स्टेट मिल सके जहाँ पर उनके अपने कानून हो, अपने लॉज हों जो कि ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट कर सके. तो इस स्ट्रगल में कुछ सफलता उनको हासिल हुई, जैसे कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में अपनी स्टेटहुड होना बहुत लंबे समय के संघर्ष के बाद. एंड उससे द स्टेट इसी उसकी वजह से द सिटीजन स्टेट्स लाइक मणिपुर एंड नागालैंड डोंट हैव द सेम राइट्स एज अदर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. दे वांट टू हैव देयर ओन गवर्नमेंट ओन लॉज फॉर प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स. तो इसी तरह से जो अदर ट्राइबल कम्युनिटीज थी जो स्टेट जो है उन वो भी द सिटीजन स्टेट्स लाइक मणिपुर एंड नागालैंड डोंट हैव द सेम राइट्स एज अदर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. जिस प्रकार के हक अधिकार बाकी नागरिकों को मिलते हैं उनको वो सब अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे थे. तो वो भी क्या चाहने लगे कि दे वांटेड टू हैव देयर ओन गवर्नमेंट, अपनी सरकार हो, अपने कानून बने जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के हक में उनकी प्रोटेक्शन में काम करें. ग्रेजुअल एमर्जेंस ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास इट इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज. In conjunction with policies of reservation, education creating an urbanized professional class. As tribal societies get more differentiated, different bases are growing for the assertion of tribal identity. जो government ने reservation policies बनाई उसकी वजह से जो एक tribal community में भी जो है, क्योंकि education facility, reservation in education institution भी उनको दी गई, तो एक एजुकेटेड क्लास जो है उसमें उभर करके बाहर आई और उनके आपस में ही जो है डिफरेंशिएशन ऑफ असर्शन ऑफ आइडेंटिटी जो है वो पैदा हो गए. टू ब्रॉड सेट्स ऑफ इश्यूज रिलेटिंग टू कंट्रोल ओवर विटल इकोनॉमिक रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड स्पेशली फॉरेस्ट एंड इश्यूज रिलेटिंग टू मैटर ऑफ एथनिक कल्चरल आइडेंटिटी आर गिविंग राइज टू ट्राइबल आइडेंटिटी. दो मेन मुद्दे थे, एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो उनका लैंड और फॉरेस्ट और दूसरा जो है उनकी कल्चरल आइडेंटिटी. इसकी वजह से जो है ट्राइबल आइडेंटिटी के ऊपर जो है असर्शन उसका उसमें जो है उसने तूल पकड़ लिया. द मिडिल क्लास विद इन ट्राइबल सोसाइटी मे असर्ट द ट्राइबल आइडेंटिटी वेयर एज पुअर एंड अनएजुकेटेड ट्राइबल्स मे जॉइन ट्राइबल मूवमेंट्स. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इफ़ यू हैव लाइक्ड, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो.